महेशू तहसील में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों के हालत का अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है कि करही थाना अंतर्गत एक दुष्कर्म पीड़िता को मेडिकल और डीएनए जांच के लिए 2 दिन में 3 अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़े। दरअसल करही पुलिस टीम ने ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत नाबालिग बालिका को सकुशल दस्तयाब किया था, जिसके उपरांत करही पुलिस द्वारा दुष्कर्म पीड़ित युवती की जाँच के लिए अस्पताल ले जाने पर कहीं संसाधनों की कमी तो कहीं उच्च अधिकारियों के आदेश का हवाला देकर जांच नहीं की गई। परिजनों ने बताया कि पड़ोसी युवक द्वारा ही लगभग 17 वर्षीय युवती से दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट मंगलवार को करही थाना पर दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। इसके बाद शाम को मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस के साथ पाटलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गए, जहां महिला डॉक्टर नहीं मिली, उन्होंने मंडलेश्वर होना बताया। उसके बाद बीएमओ से संपर्क करने पर करही स्वास्थ्य केंद्र ले जाने को कहा, पर अस्पताल पहुंचने पर मेडिकल परीक्षण से इनकार कर दिया गया। इसके बाद मंडलेश्वर लेकर पहुंचे, जहां महिला डॉक्टर ने जांच करने से इनकार कर दिया। ऐसे ही दुष्कर्म की पीड़ित अस्पतालों के चक्कर लगाती रही। इतने अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद अंततः मंडलेश्वर स्वास्थ्य केंद्र पर परीक्षण किया गया। महेश्वर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। हाँ जी, ये आपके माध्यम से और कल भी मेरी बात हुई थी, तो संज्ञान में आया। इसमें जो भी दोषी है उनको हम कारण बताओ नोटिस तो जारी कर ही कर रहे हैं और इसकी जांच भी कराऊंगा। ये सब बिल्कुल भी नहीं होना था। इसमें पुलिस जो है लगातार उसको अस्पताल लेके गई, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने उसका मेडिकल परीक्षण नहीं किया दुष्कर्म पीड़िता का। बिल्कुल, ये सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी डॉक्टर साहब के पास गए उन्होंने देखना था, करना था इसको। इसको मैं दिखवा रहा हूँ और इसमें जिस तरह जांच कराऊंगा। अब क्या कार्रवाई होगी सर इसको? इनको एक्शन नोटिस तो जारी कर ही रहा हूँ और इसकी जांच भी कराऊंगा। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर एम एस सिसोदिया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।